हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटी ऑफ नेचर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा 10 से 12 साल का पेड़ है, तो इसमें हमने किस तरह से प्रूनिंग करनी है उसके बारे में बताएंगे। तो इसमें भी हमने जैसा कि 8 से 6 से 7 साल के पेड़ों में हमने जो विग्रस ब्रांचेस निकाली थी, जैसे कि ये ब्रांच है, ये वाली आप ब्रांच देख रहे हो, तो इस ये काफ़ी विग्रस है, तो हम इसमें स्टब मार्क इसको निकाल देंगे। ये अंदर देखिए, ये वीक हो चुकी है, इसमें स्पर तैयार हो रहा है, तो इसको हम कहीं वीकर पे ला के रख देंगे। इसको भी हम वीक पे ला देंगे, जो ये ब्रांच है इस पे हम रिंग मार देंगे। तो ये ब्रीक झाड़ हम ऐसा ही छोड़ देंगे। इसमें ऊपर जो ये वीग्रस ब्रांचेस दिख रही है, इन सब में आपका स्टब लगेगा, यानी कि इनको हमने नहीं रखना है। अगर हम इसको रखेंगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए और मोटे हो जाएंगे, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, इसमें जितने भी विग्रस शूट्स बन रहे थे उसमें हमने स्टब्ड दे दिया है और ऊपर लंबा हेड बैक दिया है, और जितना भी यहाँ पे ब्रीक जो झाड़ है वो हमने ऐसे ही रहने दिया है। इसमें कहीं कहीं से भी आ सकते हैं जो ब्रीक पिंस है, और इसमें स्पर भी तैयार हो रहा है, तो इस तरह से हमने इसको बनाना है। और साथ में ये वाली ब्रांच है, जो इसमें भी हमारी सेम प्रूनिंग रहेगी। जो ये विग्रस हो रहे हैं कई शूट्स, जैसे ये वाला शूट है, इसमें भी आपका स्टब लगेगा। ये वाला शूट है, इसमें भी आपका स्टब लगेगा इस तरह से। इसमें अंदर आपका स्पर तैयार हो रहा है, तो उसको हम ऐसे करके वीकर पे छोड़ देंगे। इसको भी हम वीकर पे ला के रख देंगे। जब इसमें स्पर तैयार हो जाएगा हम पीछे ले जाएंगे। इसमें आपके पास रिंग की ऑप्शन भी है। हम लोग रिंग यहाँ पे इसलिए नहीं मारते, एक तो ये मोटी ब्रांच है, और हम इस पर रिंग देंगे तो ये जो अभी छोटे छोटे स्पर्स बन रहे हैं ये सारे शूट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे इसको वीक पे डाला है, तो ये ज़्यादा ग्रोथ नहीं लेंगे और ये सिर्फ बीमे में ही कन्वर्ट रहेंगे। ये देखिए आप, यहाँ पे भी हम इसको वीकर पे ला के रख देंगे। ये ब्रीक झाड़ जितना भी है इसको भी हमने वीकर पे ला दिया यहाँ पे, और साथ में जो ये ऊपर जो नए शूट्स है चोटियों में, ऊपर टॉप में, अंदर बाहर जितने भी नए शूट्स है, विग्रस है, इन सब में हमने स्टब देना है। और साथ में जैसे ये हमने वीकर पे डाल दी थी ब्रांच, तो इसको हम इस साल ऐसे ही रहने देंगे ताकि इसमें अंदर दोबारा से स्पर निकल जाए। निकालने के लिए इसको निकाल भी सकते हैं टाइमली, बट यहाँ पे हमारे पास बाहर को स्पेस है अभी, तो हम इसको छोड़ रहे हैं, या थोड़ा सा हम इसको पीछे भी ला सकते हैं हल्का सा इस साल, ताकि इसमें पीछे को हम स्पर तैयार कर सकें। तो इसमें भी इस तरह से प्रूनिंग करनी है। जैसे ये वाली ब्रांच है, तो इसमें ऑलमोस्ट स्पर ही तैयार हो रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ करने को है नहीं। इसमें सिर्फ ये वाली ब्रांच निकलेगी और एक ये वाली ब्रांच निकलेगी, और ऊपर हेडबैक हो जाएगा, और एक ये वाली ब्रांच है, इसमें आपका स्टब लग जाएगा। बाकी इसमें ऑलमोस्ट जो स्मॉल शूट्स निकल रहे हैं और बीमे में कन्वर्ट हो रहे हैं मैक्सिमम शूट्स, इस तरह से आपने प्रूनिंग करनी है। ये ब्रांच देखिए, ये भी ब्रांच आई है आपकी, इसमें आपके पास ये देखिए स्पर किस तरह से तैयार हो रहा है। ये है, ये है, ये है। अब वो आपने चूज़ करना है कि आपको कितना स्पर रखना है, कितना नहीं रखना है। इसको आप यहाँ पे भी ला सकते हैं, यहाँ पे भी ला सकते हैं, ज़्यादा पीछे इसमें वीक बीमा है, ज़्यादा पीछे जाना नहीं चाहिए। वैसे आप यहाँ पे आ सकते हैं, दो तीन स्पर्स आप रख सकते हो। तो इसमें ऊपर भी देखोगे आप तो सेम अच्छा स्पर बनना शुरू हो गया है। ये देखिए, ये रिंग पे स्पर आ चुका है, ये लास्ट ईयर का रिंग लगा हुआ था यहाँ पे, ये यहाँ पे स्पर बन गया है। इस पर भी आपका रिंग डलेगा, बाकी ऊपर ये जो एक शूट्स निकल जाएगा और ऊपर टॉप में हेडबैक लग जाएगा इसमें। जैसे ये ब्रांच है, ये सेकेंडरी ब्रांच निकली है इसमें, तो इसमें हमने यहाँ पे थोड़ा सा वीकर पे डालेंगे। इसमें इस बार क्रॉप ले लेंगे क्योंकि ये खाली स्पेस में है, तो हम इसमें अपनी क्रॉप ले लेंगे। और नेक्स्ट जैसे यहाँ पे देखिए, इसको हमने लास्ट ईयर यहाँ पे वीक पे डाला था, लास्ट टू लास्ट ईयर डाला था, तो यहाँ पे बहुत सारे शूट्स निकल चुके हैं आगे को, तो इस साल हम इसको यहाँ पे रखेंगे और इसमें पीछे स्पर तैयार करेंगे। सेम यहाँ पे भी है, इसको भी हम वीक पे रखेंगे और इसमें पीछे स्पर तैयार होना शुरू हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हो।
और यहाँ पे आपके रिंग था तो यहाँ पे दो तीन शूट्स निकले, आप उसको रिमूव कर सकते हो। सेम ऐसे ही इसको भी आप सिंगल पे लाइए, इसको आप इस तरह से रिंग था लगा, इसको रिमूव कर दीजिए। इसमें आप रिमूव अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे जाओगे ये अभी अनमेच्योर बीमा है तो इसमें आपके सारे शूट्स निकल जाएंगे, इसलिए कोई अंदर से ऐसे ग्रोथ ले रहा है तो हमने उसको स्टब मार के टाइमली रिमूव कर देना है, ताकि इन फ्यूचर वो ज़्यादा मोटा ना हो जाए और आपके पेड़ को ज़्यादा घाव ना झेलना पड़े। तो इस तरह से हमने अपनी कैनोपी तैयार करनी है। इसकी भी मैं अभी पूरी प्रूनिंग के बाद इसमें आपको वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने इसकी प्रूनिंग की है। तो ये देखिए गाइस, इसमें दो टहनियाँ अभी फ़िलहाल बच गई है काटने के लिए। इसके लिए मुझे या स्टेयर की ज़रूरत पड़ेगी या फिर मेरे पास वो लंबे वाली सीजर वो कैंची भी है जो इजीली इसको काट देगी, जो ये वाले शूट्स है। तो ये जो मैं शूट्स पहले आपको दिखा रहा था, इसमें जितने भी इसमें मोटे शूट्स अगर आपको दिख पा रहा है तो सभी मैं ऊपर से लेकर नीचे तक जहाँ जहाँ वो शूट्स थे सब में स्टब लग गया है, और इसमें जो भी बचा है ये ब्रीक शूट्स ही बचे हैं जिसमें कि टिप पे फ्रूट भी आ सकता है या नेक्स्ट ईयर के लिए इसमें रिंग आके हम पीछे इस पर तैयार कर सकते हैं। जैसे ये वाली ब्रांच भी है, इसमें मोस्टली सारा इस पर तैयार हो रहा है, ये ऊपर तक सारा इसमें भी स्टब लगे हैं। ये वाली ब्रांच थी, इसमें भी ऊपर तक ऊपर हेडबैक लंबा हेडबैक होगा इसमें। बाकी इसमें अगर आप ब्रांच देखोगे तो जितनी भी अननेसेसरी विग्रस शूट्स थे वो सारे निकल गए हैं, और हमने इसमें सिर्फ जो ब्रीक टहनी आया है जिसमें स्पर तैयार होगा वो वाले शूट्स रखे हैं। ये जो वाली टहनी है ये एक्चुअली ग्राफ्टेड हो रखी है, ये मे बी शायद आई थिंक टॉप रेड था इसमें या रेड चीप था इसलिए इसमें स्पर ज़्यादा बना है। ये रॉयल वाली ब्रांच है, इसमें कहीं कहीं टॉप रेड सक्सेस हो रखा है, कहीं कहीं पे रॉयल डिलीशियस की भी ब्रांचेज है। ये जो विग्रस ग्रोथ वाली है ये रॉयल डिलीशियस की है, तो इसमें हमने इस तरह से प्रूनिंग करनी है ताकि इसमें स्पर तैयार हो जाए। जो आपका टॉप रेड है इसमें तो इजीली आपका स्पर तैयार हो जाता है, ये देखिए इसमें इजीली स्पर तैयार हो सकता है। अगर आप इसको और इसका कंपैरिजन करोगे तो ये बहुत ज़्यादा विगर हो गया है और ये अभी इसकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा है नहीं है, बट इसमें स्पर ज़्यादा बन गया है। तो रॉयल डिलीशियस में हमने इस तरह से प्रूनिंग करनी है। जितने भी एडवांटेज शूट्स है बहुत ज़्यादा विग्रेस हो रहे हैं उनको अभी टाइमली निकाल के स्टब दे के निकालना है, हमने उसको बिल्कुल क्लीन नहीं निकालना है। स्टब दे के आपका नेक्स्ट ईयर के लिए इसमें जो ब्रीक पिंस निकलेगी, इस पोर्शन से ब्रीक पिंस निकलेगी, यहाँ कहीं से भी निकल सकती है चारों तरफ से, तो उसमें हम दोबारा से स्पर तैयार कर सकते हैं। तो ये है हमारी प्रैक्टिस जो हम अपने ऑर्चर्स में अपना रहे हैं न्यू प्लांट्स में। तो इस तरह से हमने प्रूनिंग करनी है ताकि जल्दी से जल्दी आपकी क्रॉप भी आए, और जो हमारे पहले बहुत ज़्यादा ब्रांचेस एक्सेस ब्रांचेस हो जाती थी उसको भी हमने अभी से ही रिमूव करना है जो हमने रखी है बाय चांस। जैसे मेरे पास ये ब्रांच भी है बट इसको मैं रिमूव नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास स्पेस है और ये बहुत मोटी भी हो चुकी है स्टार्टिंग की। इस पे मेरे पास था अभी कि मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ इस वाली ब्रांच को, तो मैंने इसको कंट्रोल करने के लिए इसको वीकर शूट पे डाल दिया है। तो ये था आज का वीडियो, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।